जय गुरुदेव। एक समय की बात है, दो विद्यार्थी एक गुरुजी के पास विद्या अध्ययन के लिए गए। कई समय गुरु के पास रहे और विद्या अध्ययन करते रहे, तो उन दोनों विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी तो विद्या अध्ययन में काफी होशियार था, हर तरह से विद्या अध्ययन करता, और जो दूसरा विद्यार्थी था वो विद्या अध्ययन तो करता कम और गुरुजी की सेवा करता ज़्यादा, हर समय गुरुजी की सेवा में ही लगा रहता। विद्या अध्ययन करते करते उन्हें काफ़ी समय बीत गया, तो जब विद्या अध्ययन हो चुका तो जो विद्यार्थी होशियार था उसने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, विद्या अध्ययन हो चुका है, अब क्या मैं घर चला जाऊं? तो गुरुजी ने उसे घर जाने की स्वीकृति दे दी। और जो दूसरा विद्यार्थी था फिर उससे गुरुजी ने पूछा कि क्या तुम भी घर जाओगे, क्योंकि वह उसी तरह से ही सेवा में लगा रहा। तो उस विद्यार्थी ने गुरुजी से कहा कि जैसी आपकी मौज मर्जी गुरुजी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही। तो यह सुनकर गुरुजी बड़े ही प्रसन्न हुए, तो उन्होंने उससे कहा कि जा एक कोयला लेकर आ। तो विद्यार्थी एक कोयला लेकर गुरुजी के पास आया, तो उन्होंने कोयले को जलाया और उसकी जुबान पर रख दिया और फिर उससे कहा कि ठीक है, अब तुम घर जाओ। तो जब वो घर पहुंचा, तो घर पहुंचने के बाद वो तो किसी विद्वान की तरह बड़े ही ऊंची ज्ञान की बातें बताने लगा, वेद शास्त्र और पुराण की सारी बातें कहने लगा। तो जब दूसरा विद्यार्थी उससे मिला तो उसने कहा कि भाई, ये सब तूने कब पढ़े, ये सब तुझे कैसे पता, तू तो पढ़ाई ही नहीं करता था। तो उस विद्यार्थी ने कहा कि ये सब मैं नहीं जानता, सब गुरु महाराज की कृपा है, सब उन्हीं की दया का ये प्रताप है। ये कहानी सुनाते हुए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि गुरु की सेवा का बहुत बड़ा फल होता है, यदि गुरु की दया कृपा हो तो क्या नहीं हो सकता, और बिना उनकी दया कृपा के कुछ भी संभव नहीं। जय गुरुदेव।